ये जर्नी शुरू हुई थी 2010 में, और 2010 में मैंने जब शुरू किया था तो मुझे इतना जुनून था, मैं बहुत बड़ा बड़ा कुछ कर लूंगा, लेकिन सिचुएशंस वैसी नहीं हुई। फाइनेंस में बहुत कंफर्ट जोन था, पैसा खर्च करने में डर लगता था, पैसा बड़ा दिल नहीं था, फिर भी हिम्मत करके एक अच्छा सेल्समैन अपने पास लाए, एक अच्छा कोच अपने पास लाए, एक अच्छी टीम बिल्ड की, एक इन्वेस्टर लाए, इन्वेस्टर का पैसा लगा। बट 2014 में ना सब कुछ बर्बाद हो गया, गाड़ी पटरी से उतर गई एंड 1.5 करोड़ का लोन हो गया, सारे रास्ते फंड्स के ब्लॉक हो गए, एवरीथिंग वाज गोइंग हेवायर, समझ नहीं आ रहा था कैसे जिंदगी चलेगी। एंड उस समय ये जो प्रिंसिपल्स 11 दिन में आपको शेयर करूंगा ना, उस समय मैंने सीखे थे ये, उस मोमेंट में दोस्तों मुझे क्या चीजें काम की और किन चीजों के कारण मैं उस लेवल पे आ पाया कि महीने का 1.5 करोड़ आज की डेट में कमा लेते हैं, एंड अब आगे और आगे जाना है। सो आई थिंक ऑल दोज प्रिंसिपल्स आई एम शेयरिंग, यस आई एम नॉट इलोन मस्क, आई एम नॉट मुकेश अंबानी, बट यस मैं मेरे फील्ड का बादशाह जरूर हूं और आगे और ज्यादा पावरफुल बादशाह बनूंगा अपने फील्ड का, ये मेरा खुद से वादा है। सो दोस्तों हमें ये सीखना है कि वी ट्रूली वॉन्ट टू बी वेल्दी, अगर हमें वेल्दी बनना है तो 3 ऑब्स्टेकल्स हमें सता रहे हैं, 3 रुकावटें हैं जो हमारे बीच में आ रही है, इन तीनों रुकावटों को, ये तीनों रुकावटें सबसे पहले हमें हटानी है। तो चलिए पहला ऑब्स्टेकल तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहला ऑब्स्टेकल क्या है, ऑब्स्टेकल नंबर 1, पीपल एसोसिएट मनी विद बोथ पेन एंड प्लेजर, ये पहला ऑब्स्टेकल है। अब इसको थोड़ा समझते हैं डिटेल में, लोग क्या करते हैं पैसे की प्रॉब्लम को पेन से भी जोड़ते हैं, यानी तकलीफ से भी जोड़ते हैं पैसे को, और प्लेजर से भी जोड़ते हैं। इसको थोड़ा बताता हूं, पेन यानी तकलीफ बहुत ही मुसीबत, ऑलराइट, और प्लेजर यानी बहुत अच्छी चीज, ये दोनों से जोड़ते हैं हम पेन एंड प्लेजर से। कैसे, पैसा आएगा लग्जरी आएगी, पैसा आएगा मैं घूमूंगा, पैसा आएगा बड़ी कार, पैसा आएगा बड़ा बंगला बड़ी गाड़ी, ओ माय गॉड पैसा आएगा अच्छी जगह मेरी शादी हो जाएगी, ओ माय गॉड पैसा, पैसे से प्लेजर को जोड़ते हैं, पैसा आएगा तो मैं भी ऐसी जिंदगी जीऊंगा, पैसा आएगा तो मैं ऐसा लगाऊंगा, ऐसा झूमर लगाऊंगा अपने घर में, पैसा आएगा ऐसा कारपेट लगाऊंगा, पैसा आएगा चांदी के सोफे लाऊंगा, पैसा आएगा ऐसे कप प्लेट मेरे घर में होंगे, पैसा आएगा तो ऐसी टेबल होगी, ऐसी घूमने वाली होगी, ये रोबोट होगा, इधर से ये एंट्री होगी, ऐसा शाइनिंग सब कुछ होगा, ऐसी लाइटिंग लगेगी, पैसा आएगा तो ऐसी यू नो ऐसे ट्रेवल करूंगा, ऐसे ड्राइवर होगा मेरे साथ, ऐसे मेरी टीम होगी, ऐसा मेरा ऑफिस होगा, ऐसे चलेंगे वैसे चलेंगे, पैसा मतलब प्लेजर, यू नो पैसा मतलब बहुत सारा ऐसा मतलब मजा मजा मजा, यहां तक तो ठीक है। प्रॉब्लम कहां है, प्रॉब्लम यहां है कि जब हम पैसा मतलब पेन से जोड़ देते, दोस्ती में दरार कौन लाता है, पैसा, पार्टनरशिप में फर्क कौन लाता है, पैसा, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में प्रॉब्लम किसके कारण आती है, पैसे के कारण, सारे फसाद की जड़ कौन है, पैसा। पैसे वाले कैसे होते हैं, बेईमान होते हैं, पैसे वाले कैसे होते हैं, खून चूसने वाले होते हैं, पैसे वाले कैसे होते हैं, हरामखोर होते हैं, और मूवीज में भी ये दिखाया जाता है, मूवीज में पैसे वालों को खून चूसने वाला दिखाया जाता है, मूवीज में पैसे वालों को बहुत ज्यादा जल्लाद टाइप का दिखाया जाता है, पैसे वालों को बहुत ज्यादा ऐसे गलत काम करते हुए दिखाया जाता है, पैसा मतलब यू नो हर चीज में हम पैसे से पेन को भी जोड़ते हैं, यार वहां जाना है पैसा नहीं है यार, और एक पैसा मतलब पैसे को एक नेगेटिव एनर्जी भी दे रहे हैं, यू नो लुक एट दिस प्लेजर अ पेन। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं, आप हो आपको कहीं जाना है, यहां जाना है मान लीजिए कहीं पे भी जाना है, और आपको यहां जाने के लिए 2 रास्ते दिखाई दे रहे हैं सामने, आप चल रहे हैं चलते चलते आपको 2 रास्ते दिखाई दे रहे हैं, वाई पॉइंट आ गया एक, और यहां पे खड़े हुए लोग कह रहे हैं हे भाई साहब इधर वाले रास्ते पे जाओ, लेकिन इधर पे कुछ लोग खड़े हैं वो कह रहे हैं भाई साहब इधर वाले रास्ते पे जाओ, फिर जाके आपको मंजिल मिलेगी जहां पे भी जाना है वहां की। अब आप कंफ्यूज हो क्योंकि आधे लोग कह रहे हैं इधर जाओ, आधे लोग कह रहे हैं इधर जाओ, वे वुड यू गो, एक रास्ता दिल्ली जा रहा है एक बॉम्बे जा रहा है, और आधे लोग कह रहे हैं आपकी मंजिल जाना है आपको इधर जाना है, आपको तो पता नहीं है किधर जाना है। इक्वल पीपल, यहां पे भी 3 लोग कह रहे हैं इधर जाओ, यहां पे भी 3 लोग इधर जाओ, अब कहां जाओगे आप, नाउ दैट इज द क्वेश्चन। मैं यहां पे खड़ा हूं इस समय और मुझे कोई कहे हे सर लिसन आपको 10% इंटरेस्ट चाहिए, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, और 100 लोग कह रहे हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, और 100 लोग मुझे कह रहे हैं कि भैया आप है ना गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करो, और यहां पे भी 100 लोग कह रहे हैं इक्वल नंबर ऑफ पीपल, आई एम कंफ्यूज्ड। मुझे 100 लोग कह रहे हैं ट्रेनर बनो, 100 लोग कह रहे हैं ट्रेनर मत बनो, आई एम कंफ्यूज्ड। 100 लोग कह रहे हैं ट्रेनर बनने के बहुत सारे फायदे हैं, सॉरी इतने सारे फायदे, और 100 लोग कह रहे हैं ट्रेनर बनने के बहुत सारे नुकसान है, भयंकर नुकसान है, आई वुड बी कंफ्यूज्ड। दोस्तों यही हमारे साथ हो रहा है,
पैसा कमाने के बहुत सारे पेन हमारे साथ है, पैसा कमाने के बहुत सारे प्लेजर हमारे पास है, और दोनों के बारे में हम सोच रहे हैं. प्रॉब्लम इज वी आर कंफ्यूज्ड. हम लोग कंफ्यूज हैं. वी आर नॉट क्लियर. 99% पीपल आर नॉट क्लियर. 99% पीपल शमशान घाट में किसी मुर्दे को लेके जाएंगे, उस समय बोलेंगे यार क्या लेके आए थे, क्या लेके आना है, वास्तव में देखो यार जिंदगी भर ये पीछे पैसे के पीछे भागा, अभी देखो कुछ नहीं लेके जा रहा है. फिर हम भी कोई ना कोई ज्ञान सुन लेते हैं, वास्तव में यार खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जाना है, बस प्यार के दो मीठे बोल गुनगुनाना है, तो हंस क्योंकि दुनिया को है हंसाना, ऐ मेरे दिल तू गाए जा. हम कहते भैया पैसा बड़ा दुखदाई है. और फिर कहानी भी आती है, सिकंदर महान जब मरा था तो उसकी तीन इच्छाएं थी. पहली इच्छा, जब मैं मरूं तो मेरे हाथ मेरे ताबूत से बाहर रखना, ताकि पूरी दुनिया को ये पता चले कि मैं कुछ नहीं लेके आया था और मैं कुछ सब कुछ खाली लेके. दूसरा, मेरा पूरा धन और दौलत रास्ते में बिछा देना, बोले ये पूरा धन और दौलत भी मुझे मरने से बचा नहीं पाया. और तीसरा, मेरी तख्ती पे लेके लिख देना, मैं अपने कब्र में एक रुपया भी साथ नहीं ले जा सकता, अपने कफन में एक रुपया भी बांध के नहीं ले जा सकता. और ऐसी कहानी हम सुन लेते हैं और कहते हैं वास्तव में यार पैसा ही सारे फसाद की जड़ है, हिटलर ने पूरी दुनिया कहां से जीत ली. और दूसरा तरफ हमें विजय माल्या दिखाई देते, क्या पैसा था, क्या पैसा था. कोई कोई कहता है देखो पैसे वालों का ऐसे भ्रष्ट हो जाते हैं, तो वो भी पेन. और कभी कभी हमें पैसे वालों की अच्छाइयां दिखाई देती है. हम 5-star होटल में जाते हैं तो हम कहते हैं ऐसी जिंदगी चाहिए. नाउ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट. कंफ्यूज्ड माइंड कैन नॉट प्रोड्यूस रिजल्ट्स. मेरे साथ बोलिए, कंफ्यूज्ड माइंड कैन नॉट प्रोड्यूस रिजल्ट्स. कैन यू से दैट प्लीज? Confused mind cannot produce results, my dear friends. वापस से बोलिए एक बार, मैंने क्या बोला? Confused mind cannot produce results. या तो आप पूरी तरह से कहो I don't want money, या आप पूरी तरह से कहो I want money. You know, Americans बहुत clear है, they want money. Indians हम confused हैं बहुत, whether we want money or not want money. I want money, as simple as that. I want to live a simple life. I want money also. I want to be, you know. तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा प्रिंसिपल मैंने सुना था. गरीब आदमी कहता है either or, या तो मुझे शांति मिलेगी या मुझे पैसा मिलेगा, या तो मैं परिवार के साथ रह सकता हूँ. गरीब आदमी कहता है या तो मैं परिवार के साथ अच्छे से रह सकता हूँ या मैं पैसा कमा सकता हूँ. एक दिन हम लोग, मैं और मेरी टीम यहीं जा रहे थे, और रास्ते में आना सागर चौपाटी पे हम लोग खड़े थे अजमेर में, और एक भाई साहब मिल गए. वो कहे साहब पैसे वालों को तो बहुत देखा है सर, परिवार उनका नहीं है सर. ये कोरोना के टाइम पे ना मैं यहाँ पे बैठ के ये 2 रुपए की गोली बेचता हूँ सर, लेकिन मेरे पास प्रॉब्लम ये है, परिवार मेरा मेरे साथ है सर. ये पैसे वालों के साथ परिवार नहीं है. क्या बात कर रहे हो आप, सच में ऐसा है? हमारे, मैं जिस नगरी से हूँ किशनगढ़ से, वहाँ हमारे आर के मार्बल वालों का पूरा परिवार की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है. सबसे अरबपति लोग हैं और परिवार पूरा साथ एकजुट ऐसे मुट्ठी. सो दोस्तों, कौन कहता है कि पैसे वालों का परिवार अच्छा नहीं होता? ये सब ना हारे हुए थके हुए लोगों का अपने आप को एक ढकने का तरीका होता है. ये कह तो सकते नहीं कि आई एम नॉट केपेबल. ये कहना बड़ा मुश्किल है, आई एम नॉट केपेबल ऑफ अर्निंग मनी. ये कह नहीं सकते. इसलिए क्या करो, अपन केपेबल तो नहीं है, लेकिन अपन ये कहेंगे नहीं कि आई एम नॉट केपेबल. इसीलिए अपन किसी और की उतारो पहले. अरे भाई, कई गरीब हैं जिनका परिवार इसलिए टूट रहा है क्योंकि पैसा नहीं है. कई मिडिल क्लास फैमिली है एक दूसरे से दूर इसलिए हो रही है क्योंकि पैसा नहीं है. सो डोंट जस्ट टेल मी कि पैसे वालों का परिवार है. यस, ये तो इक्वल कहानियां हैं, हर जगह हर तरह की कहानियां मिलेगी, कहीं पे 2 ज्यादा कहीं पे 2 कम. सो जो लोग कह रहे हैं कि पैसे वालों का परिवार नहीं है, इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. इट इज अ जनरलाइज स्टेटमेंट. पैसे वाला खुश नहीं रह सकता, इट इज अ जनरलाइज स्टेटमेंट. पैसे वाले को शांति नहीं मिल सकती, जनरलाइज स्टेटमेंट. ऐसा बिल्कुल सही नहीं है. पैसे वाला हमेशा इस तरह से नहीं रह सकता, उस तरह से नहीं रह सकता. नो, इट इज अ जनरलाइज स्टेटमेंट. थोड़े दिन पहले एक न्यूज आई कि भाई ये फिल्म स्टार वगैरह तो सब अच्छा खाना खाते हैं, फिर इरफान खान को कैसे कैंसर हो गया, फिर ऋषि कपूर को कैसे कैंसर हो गया, फिर मनीषा कोइराला को कैसे कैंसर हो गया, फिर युवराज सिंह को कैसे कैंसर हो गया. जनरलाइज स्टेटमेंट दोस्तों, अगर रिच लोगों को हो रहा है तो पुअर लोगों को भी हो रहा है, मिडिल क्लास लोगों को भी हो रहा है, अपर मिडिल क्लास को भी हो रहा है, लोअर मिडिल क्लास को भी हो रहा है. सो व्हाई डू यू वांट टू से कि रिच को ही हो रहा है या पुअर को नहीं हो रहा है? भीख में सभी बीमारियां हैं, बस किसी में 1-1% ज्यादा, किसी में 1-1% कम. सो जनरलाइजेशन नहीं चाहिए. तो मैं कहता हूं जनरलाइज स्टेटमेंट होते हैं ना, वो एवरेज लोगों के होते हैं, एवरेज थिंकिंग वालों के होते हैं. एवरेज थिंकिंग वाला कहता है या तो मुझे परिवार मिल सकता है या मुझे पैसा मिल सकता है, या तो मैं शांति से काम कर सकता हूं या फिर मैं पैसा कमा सकता हूं, या तो मैं हेल्थ पे ध्यान दे सकता हूं या मैं पैसा कमा सकता हूं. आइदर और रिच लोगों की मेंटालिटी कहती है
आई वॉन्ट ऑल. तो मैं कहता हूँ आज से डेफिनेशन बदलते रहते हैं. आर यू रेडी? डेफिनेशन आज से, हमें परिवार भी चाहिए, हमें शांति भी चाहिए, हमें पैसा भी चाहिए, हमें हैप्पीनेस भी चाहिए, हमें दोस्त भी चाहिए, हमें फुलफिलमेंट भी चाहिए, हमें मजा भी चाहिए, हमें ट्रैवल भी चाहिए और हमें आराम से पैसा भी चाहिए. हाउ मेनी ऑफ यू आर विद मी? कम ऑन, टेल मी फास्ट एवरीबॉडी. हाउ मेनी ऑफ यू आर विद मी? आई वॉन्ट ऑल. आइदर और नहीं चाहिए भैया, पैसा भी चाहिए, शांति भी चाहिए, मेडिटेशन भी चाहिए, किताबें भी पढ़नी है, सीखना भी है, ग्रोथ भी करनी है. आई वॉन्ट ऑल. आई वॉन्ट ऑल. वाई शुड आई से आइदर और? कहना ही नहीं है आइदर और. इट इज नॉट फॉर यू एंड इट इज नॉट फॉर मी. ये उन लोगों के लिए जो अनपढ़ है, ये उन लोगों के लिए जो हारे हुए लोग हैं, जो अपने मुखौटा, यार मैं तो परिवार को ज्यादा वैल्यू देता हूं इसलिए मैं पैसे को वैल्यू नहीं देता. अरे तेरे अंदर औकात नहीं है साले, औकात नहीं है तेरे अंदर. मैं तो ये कहता हूं परिवार भी साथ रहेगा, पैसा भी आएगा, दोनों आएगा. एम आई राइट रॉन्ग? सो आर यू अग्रीइंग विद दिस पॉइंट? ये पहला ऑब्स्टेकल है दोस्तों, कि हम दोनों की तरफ ये सोच रहे हैं, पेन में भी एसोसिएट प्लेजर में. मैं, मेरे साथ बोलिए, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है. जोर से बोलिए, मेरे पास बार बार आते, खुशियां ले लेकर आते, मुझे भी पीसफुल रखता है, मेरे घर वालों को भी पीसफुल रखता है, और मैं जहां जहां जाता हूं वहां वहां पीस फैला देता है. वापस से बोलिए, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मेरे पास बार बार आता है, हर बार आता है, मेरे घर वालों को भी पीसफुल रखता है, मुझे भी पीसफुल रखता है, और मैं जहां जाता हूं वहां पीसफुल कर देता है माहौल. सोते हुए भी आता है, जागते हुए भी आता है, हमेशा खुशियां साथ लेके आता है. हम पैसे को प्लेजर से जोड़ेंगे, कंफ्यूजन नहीं चाहिए. इस ऑब्स्टेकल को हटा दें.